हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉब्लम डिजिटल सर के एक और नए धमाकेदार वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप अपनी वेबसाइट पे पिक्सल लगा सकते हैं जिससे ना एक्यूरेट डाटा मिले। क्या होता है ना, जब कन्वर्जन की ऐड चलाते हैं ना तो एक्यूरेट डाटा नहीं मिल पाता है, पिक्सल ही काम नहीं करता है। जैसे मैंने देखा, यहाँ पे 11,000 रुपये खर्च किए और वेबसाइट में एक भी परचेस नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऑर्डर नहीं आया, ऑर्डर आया है। क्या होता है ना कि पिक्सल जब हम मैनुअल पे चलाते हैं, जैसे मैनुअल पेमेंट पे है ना, पेमेंट कर करके UPI से या पेटीएम से, तो इसमें कभी कभी ना डाटा नहीं आता है, कितना भी आप पिक्सल लगा लो। लेकिन आज आपको जो मैं तरीका बताऊंगा, उस तरीके से आप अगर लगाते हैं ना पिक्सल, तो 100% गारंटीड ये आपका पिक्सल डाटा शो करेगा, क्योंकि मैंने अपने 2-3 स्टोर पर ऐसे करके देखा और ये वर्क कर रहा है। ठीक है, तो मैं भी आपको ये बताता हूँ क्या करना है। आपको सीधा अपनी डाटा सेटिंग में चले जाना है, बिजनेस सेटिंग में। ठीक है, ये तो आपको पता होगा, बिजनेस सेटिंग में जाके डेटा सोर्स में जाके पिक्सल पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद आपको अपने पिक्सल का जो भी नाम देना है दे दीजिए। ठीक है, मैं जैसे दे देता हूँ डेमो, समझ गए। उसके बाद आपको यहाँ से क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, डेमो लिख के मैं इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद देखिए दो ऑप्शन आते हैं आपके सामने। तो पहला ऑप्शन है आपका, देखिए, कंटिन्यू मैनेज बाय पिक्सल और सेटअप द पिक्सल नाउ। तो हम इस पे करेंगे सेटअप पिक्सल नाउ पे। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। बीच वाला जो ऑप्शन है मैनुअल, हम मैनुअल कोड पेस्ट करेंगे। ठीक है, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, कॉपी कर लिया कोड को, नीचे जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, कॉपी कर लेते हैं कोड को और अपनी वेबसाइट पे जाके इसको हम कर देंगे पेस्ट। पेस्ट कहाँ करना होता है दोस्तों, इसके लिए देखो, कोई कोड वाला भी नहीं बताऊँगा आपको। ठीक है, सिंपल आपको क्या करना है, अपीयरेंस में जाना है, थीम फाइल एडिटर में जाना है। ठीक है, मैं ये नहीं बताऊँगा कोई प्लगइन डाउनलोड करो उससे लगाओ, ये सब नहीं, कुछ भी प्लगइन की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी में भी। ठीक है, थीम फाइल एडिटर में क्लिक करना है, जो आपका थीम है, जैसे मेरा थीम है राजी, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, राजी थीम को सेलेक्ट करना है। उसके बाद इस पर आपको नीचे देखिए ऑप्शन आएगा थीम फंक्शन, देखिए कहाँ गया, सॉरी सर दोस्तों, थीम हेडर। ठीक है, थीम हेडर का ऑप्शन आएगा, फंक्शन नहीं, थीम हेडर पे क्लिक करके ना आपको इसमें जाना है। जैसे हेड सेक्शन जहाँ एंड हो रहा होगा ना, वहाँ पे आपको ये कोड लगाना है, जैसे आप शॉपिफाई में करते हैं, हर किसी वेबसाइट में ऐसे ही होता है। ठीक है, देखिए हेड सेक्शन यहाँ बंद हो रहा ना, यहाँ पर मैंने कोस्ट पेस्ट कर दिया और यहाँ जाके इसको अपडेट कर दिया फाइल को। अब हम अपने पिक्सल में जाएंगे और चेक कर लेंगे सही से लगा है कि नहीं। ठीक है, ये कैसे चेक होता है दोस्तों, इसके लिए आप जो नीचे ऑप्शन था ना URL डालने का, अब उसमें हम अपना URL डालेंगे वेबसाइट का। मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने डाल दिया अपना वेबसाइट। अब सेंड टेस्ट ट्रैफिक पे क्लिक करके अब वापस आ जाऊँगा मैं। अगर जो ये वेबसाइट खुल जाती है, यहाँ ग्रीन हो जाएगा, इसका मतलब सही से लगा पिक्सल, और नहीं होता तो यानी गलत लगा है। ठीक है, तो वेट कर लेते हैं, देखिए एक्टिव पिक्सल लगा हुआ है। टर्न ऑफ जो लिखा उसको हम एक बार ऑन कर देंगे, तो देखिए सारे ऑप्शन ही खुल जाएंगे। ठीक है, अब ये जब मेन काम जो है ना दोस्तों, हमारे यहाँ से है, यूज़ फेसबुक इवन सेटअप टूल रिकमेंडेड जो दिया था ना, इसको हमको क्लिक करना है। हम लोग क्या करते हैं, पिक्सल बनने के बाद इसको क्लोज कर देते हैं और फिर वहाँ से इवेंट मैनेजर बनाते हैं, ऐसा नहीं करना है, इस वाले ऑप्शन को यूज़ करना है, बहुत ही ज़रूरी होता है ये। ठीक है, यूज़ इवेंट फेसबुक टेल, इस पर हम क्लिक करेंगे और यही सारा खेल है, ये चीज़ छोड़ दी तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा काम। देखिए, ये मेरा डेमो प्रोडक्ट है, मैं दिखा देता हूँ, यहाँ मैंने अपना URL डाल दिया वेबसाइट का और ओपन वेबसाइट यहाँ से करना है। अब क्या होगा ना दोस्तों, हमारी ना वेबसाइट खुलेगी और वेबसाइट के साथ साथ ना ये जो हमारा एक इवेंट सेटअप टूल है, देखिए ये ऊपर आ गया, ये आ जाएगा। अब क्या होता है ना दोस्तों, देखिए बाकी लोग आपको बताते हैं कि जैसे बटन पे क्लिक करिए, बटन पे दबा दीजिए बाय नाउ पे, फिर यहाँ पे इवेंट लगा दीजिए परचेस, तो आपका परचेस काउंट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बाय नाउ पे कोई क्लिक करके चेकआउट पेज पे जाता है, जहाँ पे अपने डिटेल भरता है, वहाँ से बैक हो जाएगा, तो गलत डेटा शो दिखा करेगा। और यहाँ से लोग बताते हैं ट्रैक URL पे क्लिक करके URL कंटेंट करके यहाँ पे थैंक यू लिख दीजिए, यानी थैंक यू पेज का थैंक यू लिख दीजिए, तो हो जाता है। लेकिन ये भी गलत होता है दोस्तों, क्योंकि आप अभी प्रोडक्ट पेज पे खड़े हैं और थैंक यू पेज लिखते हैं ना, तो ये शो ही नहीं करता, ये पकड़ता ही नहीं है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, पूरा ऑर्डर प्लेस करके फिर उस पेज पे जाना होता है। जैसे अब मैं इस पेज पे आया, तो ये कोई परचेस पेज नहीं है, ये चेकआउट पेज है, यहाँ पे मैं डिटेल भर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपनी डिटेल्स भरूँगा सारी, समझ रहे ना मेरी बात को, मैं भी पूरा करके बताता हूँ। पूरा हमें एक ऑर्डर प्लेस करना है इस टूल के साथ साथ, और जब प्लेस ऑर्डर हो जाएगा उसके बाद उसका URL हमको ट्रैक करना है। ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे। मैंने यहाँ पे कुछ भी डिटेल भर दी है टेस्ट के लिए अभी, ठीक है, ईमेल भी भर दिया टेस्ट का, प्लेस ऑर्डर करता हूँ मैं। ठीक है, प्लेस कुछ एरर आ रहा, देख लेता हूँ इसको साइड में करके क्या एरर है। बिलिंग स्ट्रीट एड्रेस, अच्छा मैंने स्ट्रीट एड्रेस नहीं भरा, कोई बात नहीं, इसको भी भर देता हूँ। कुछ मैंडेटरी फील्ड जो होती है उसको भरना होता है ना, छूट गया था। ठीक है, अब प्लेस ऑर्डर पर मैं क्लिक करता हूँ, देखो प्लेस ऑर्डर पर क्लिक करता हूँ,
तो देखिए दोस्तों, ये ऑर्डर मेरा सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया और मेरा इवेंट सेटअप टूल आ गया ये। अब दोस्तों यहाँ सबसे मेन काम है, यहाँ कोई बटन तो है नहीं, हम यूआरएल को करेंगे क्लिक, तो ट्रैक ए यूआरएल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम उसमें यूआरएल कंटेन कर देंगे और पीछे का जितना भी ऑप्शन है ये रिसीव रिसीव से हटा देंगे, सिर्फ यहाँ तक रखेंगे ऑर्डर रिसीव तक, या तो थैंक यू लिखा आएगा यहाँ पर या तो ऑर्डर रिसीव लिखा रहेगा। ठीक है, इवेंट पर हम परचेस कर देंगे, ठीक है समझ रहे हैं, और यहाँ पर हम करेंसी कर देंगे डोंट इंक्लूड, ठीक है, और यहाँ पे हम करेंसी सेलेक्ट कर लेंगे INR, ठीक है, वैल्यू कर दी डोंट इंक्लूड और करेंसी कर लेंगे INR, तो यहाँ से हम INR सेलेक्ट कर लेते हैं। ऊपर चला गया, कोई नहीं, सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं एक बार, एक्चुअली क्या है ना मेरा माउस थोड़ा सा ख़राब है तो इसमें स्क्रॉल काम नहीं करता है। ठीक है, INR कर दिया मैंने, इसमें कर देता हूँ कन्फर्म। अब देखिए दोस्तों नीचे क्या करें, द परचेस इवेंट इज लाइव एंड बीइंग ट्रैक्ड ऑन योर साइट, ठीक है, बस इस पर करके हमको फिनिश कर देना है, डन करना है, जो भी मांगेंगे सबमिट कर देना है और ओके कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट 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 करते जाना। अब ये देखिए इवेंट सेटअप कंप्लीट, टेस्ट इवेंट, यहाँ से आप टेस्ट इवेंट करिए, परचेस करके देखिए, 100% ये आप गारंटी आएगा। आप सीधा जाके आप ऐड चला दीजिए दोस्तों, और नहीं आया तो मेरे चैनल पर आप कमेंट भर दीजिए गालियों से, मैं बोलता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।